हाय फ्रेंड्स, लड़कियां तो पूरे साल ही शॉपिंग करती हैं और कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने कुछ शॉपिंग किया, आप कोई बहुत ही सुंदर सी ड्रेस खरीद कर लाई लेकिन वो आपके ऊपर उतनी अच्छी नहीं लग रही है जितनी की लगनी चाहिए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आज हम जानेंगे कुछ स्टाइलिंग टिप्स कि आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपको किस तरह की ड्रेसेस पहननी चाहिए और क्यों ऐसा होता है कि कोई ड्रेस आपके ऊपर अच्छी नहीं लग रही है लेकिन दूसरे के ऊपर काफी अच्छी लग रही है। तो ये सभी कुछ जानने के लिए हमारे साथ हैं, हमें स्टाइलिंग टिप्स बताने के लिए अदा जी, तो चलिए उनसे बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी के बॉडी शेप जो रहते हैं वो अलग अलग होते हैं, हमारी बॉडी के सबके जो शेप रहते हैं उसके डिफरेंस रहने की वजह से ही जो हर ड्रेस हर किसी पे सूट नहीं करती। कुछ ड्रेसेस ऐसी रहती है जो मुझ पे अच्छी लग रही है लेकिन किसी और पे नहीं अच्छी लगेगी, या कुछ ऐसी ड्रेसेस रहती है जो किसी और पे अच्छी लग रही है वो मुझ पे सूट नहीं करेगी। तो हम बात करते हैं आज बॉडी शेप के बारे में। जैसे बॉडी शेप होता है ओवल शेप, ओवल शेप के जो लोग रहते हैं उनकी जो टमी का शेप रहता है वो टमी हाईलाइट होती है और जो शोल्डर का शेप रहता है वो राउंड होता है, और राउंड शोल्डर की वजह से जो है उन्हें जो नेकलाइन प्रिफर करनी चाहिए वो वी नेक या स्क्वायर शेप के नेकलाइन उन्हें प्रिफर करनी चाहिए, और उनको जो जैकेट या कुर्तीज वगैरह पहननी चाहिए वो थोड़ी सी हिप लेंथ से थोड़ी सी नीचे पहननी चाहिए। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रायंगुलर शेप की। जो ट्रायंगुलर शेप की बॉडी रहती है उसमें जो रहता है वो अपर पार्ट जो बॉडी का रहता है वो स्लिम रहता है, लेकिन जो लोअर बॉडी रहती है उसमें हिप पोर्शन जो रहता है वो ब्रॉड रहता है। उसकी वजह से जो रहता है उस टाइप के जो लोग रहते हैं उनको जो कपड़े पहनना चाहिए उसकी लेंथ अपने को हिप पोर्शन से थोड़ी सी बढ़ती हुई लेनी चाहिए, और जो भी आप वेयर करते हैं उसका जो फ्लेयर रहता है वो हिप पोर्शन पे लूज फिटिंग का रहना चाहिए, जिससे जो उनका बॉडी का जो शेप रहता है वो परफेक्ट दिखेगा। और थर्ड बॉडी जो रहती है वो एप्पल शेप रहता है। एप्पल शेप में क्या होता है, जो अपर बॉडी का पार्ट रहता है वो ब्रॉड रहता है और जो लोअर बॉडी होती है वो थोड़ी स्लिम लुक में रहती है, जिस वजह से उनके जो अपर की जो बॉडी रहती है उनको वैसा लुक लेना चाहिए, जो टाइट फिटिंग के जो टॉप वगैरह रहते हैं वो उनको वेयर नहीं करना चाहिए, और थोड़ा सा हिप पोर्शन पे उनको फिटिंग का लेके फिर उसको फ्लेयर में लुक देना चाहिए, जिस वजह से उनकी बॉडी का जो परफेक्ट लुक आएगा वो वैसा वेयर करने पर उनको अच्छा लुक आएगा। और आर कर्व शेप में तो आप जानते ही उस शेप पे हर चीज सूट करती है। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आप में से किसी लेडी का इनमें से कोई शेप है तो, और अगर आपको लगता है कि आप जो इन्होंने अभी टिप्स दिए उसके अकॉर्डिंग कपड़े नहीं पहन रहे हैं तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा, जो स्टाइलिंग टिप्स अभी अदा जी ने दिया आप उसके अकॉर्डिंग ही कपड़े खरीदें और पहने तो वो आपकी पर्सनैलिटी पर चार चांद लगा देंगे। इसी के साथ हम बात करते हैं कि किस तरह के कलर कॉम्प्लेक्शन के ऊपर किस तरह की ड्रेसेस का आपको कलर चूज करना चाहिए। जैसे डार्क टोन की जो बॉडी टोन रहता है अगर उस शेड पे हम जाते हैं तो उनके लिए पेस्टल शेड्स लाइट शेड उनको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, और मैरून वगैरह जो ग्रे टोन रहता है वो भी उनके कॉम्प्लेक्शन पे अच्छा लगता है। और जो फेयर लोग रहते हैं उनके ऊपर सारे कलर्स अच्छे लगते हैं लेकिन डार्क टोन उनके ऊपर ज़्यादा सूट करता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से हैवी वेट होते हैं, थोड़े प्लस साइज बॉडी के होते हैं, तो ऐसी फीमेल में जनरली देखा गया है कि उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है कि वो किस तरह के कपड़े पहने, तो आप प्लस साइज में भी बहुत ही खूबसूरत लग सकती हैं। तो आप कैसे खूबसूरत लगेंगी उसके लिए जरूरी है कि आप सही तरह के कपड़ों को चूज करें। तो आपको कैसे कपड़े चूज करना चाहिए, तो आइए हम प्लस साइज की बॉडी जिन फीमेल्स की है उनके लिए भी बात करते हैं। प्लस साइज की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए एक सिंगल जो कलर रहता है उनको उस कलर पे जाना चाहिए, कंट्रास्ट कलर पे नहीं जाए वो, और जो ब्रॉड बॉर्डर्स रहती है उसकी साड़ियाँ वो नहीं पहने, जो कम सिंगल बॉर्डर वाली साड़ी रहती है वो पहनेंगी तो वो उन पे बहुत अच्छी लगेगी, और डार्क शेड का अगर वो सिलेक्शन करेंगे तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा प्लस साइज के लिए, और ज़्यादा बड़ी मोटिफ वाली और बड़ी प्रिंट वाली वो डिज़ाइंस ना पहने तो उनके लिए अच्छा रहे। कुछ वेस्टर्न में पहनना है तो किस तरह, वेस्टर्न में भी अगर उनको पहनना है तो बॉडी फिट एकदम जीन्स वगैरह ना पहने, और जो टॉप वगैरह आते हैं वो भी एकदम बॉडी फिट ना पहने, और उनकी जो टॉप की लेंथ रहे वो कम से कम हिप पोर्शन को कवर करते हुए होनी चाहिए। आप हमारे व्यूअर्स के लिए एक और हम स्टाइलिंग टिप देने वाले हैं, वो ये है कि अलग अलग हाइट के लोगों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। जो फीमेल जिनकी हाइट थोड़ी कम है या एवरेज है तो उन्हें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। जैसे जो शॉर्ट हाइट रहते हैं ना उन्हें वर्टिकल लाइंस का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, छोटी प्रिंट्स का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें कंट्रास्ट कलर पे नहीं जाना चाहिए, उन्हें सिंगल कलर यूज करना चाहिए जिससे जो उनकी हाइट है वो बढ़ती हुई दिखेगी। और साथ ही जो लोग टॉल हैं और स्लिम हैं तो वो किस तरह का पहन सकते हैं। जैसे टॉल लोग जो हैं वो वर्टिकल लाइंस की जगह हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करें, और जो कंट्रास्ट कलर में शॉर्ट लेंथ वालों के लिए मना कर रही हूँ, कंट्रास्ट वो प्रेफर कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि हमारी ये स्टाइलिंग टिप्स आपको जरूर बहुत ही काम आएंगे।
और इसी के साथ आप देखते रहिए वेब दुनिया के आगे भी ब्यूटी एंड फैशन टिप्स के प्रोग्राम। थैंक यू।